इस जंग में मजीद मिसाइल क्राफ्ट फ्लीट में शामिल हो रहे हैं और जदीद जहाजों के हसूल के लिए दोस्त मुल्क चीन के साथ फ्रिगेट का मुआहदा तय पा गया है, जबकि हॉलैंड से दो ओशन पेट्रोल वेसल का मुआहदा भी तय हो चुका है, जिनमें से एक जहाज बैरून मुल्क जबकि दूसरा कराची शिपयार्ड में तैयार होगा। इसके अलावा चीन से एक मॉडर्न सर्वे शिप का मुआहदा किया गया है जो कि कराची शिपयार्ड में तैयार होगा। आप सबको मालूम है कि 2015 में 8 सबमरीन का कॉन्ट्रैक्ट भी हो चुका है और उस पर काम जारी है। मुझे यकीन है कि इन आउटडोरों की बरवक्त तैयारी बरतने अजीज की अस्करी और दिफाई सलाहियत में अहम पेशरफ साबित होगी। पाक बहरिया की फजाई इस्तेदाद में इजाफे के लिए ATR तैयारों की तजदीद और जर्मनी में काम जारी है जो इंशाल्लाह जनवरी 18 तक मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरह बरतानिया से सीकिंग हेलीकॉप्टर का हसूल भी इंशाल्लाह इसी साल के अख्ताम तक तकमील पा जाएगा। पाक बहरिया की ऑफेंसिव इस्तेदाद में इजाफे के लिए आप दोस्त से दूर मार डाबर मिसाइल सिस्टम और जर्ब वेपन सिस्टम के कामयाब तजुर्बे पाकिस्तान नेवी की जंगी सलाहियतों में इजाफे के मजर हैं। बेहतरीन सर्फ मिसाइल हरबा भी इस्तेमाल के लिए तैयार है। इन कामयाबियों पर मैं लोकल डिफेंस इंडस्ट्री को सराहता हूँ। खातिमों खत्ते में अमन और खुशहाली की एक बड़ी जमानत चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो खत्ते के दीगर ममालिक के साथ बाहमी तआवुन और इक्तिसादी इस्तेहकाम को फरोग देगा। सीपैक से पूरे इलाके में मुस्बत असरात मुरतब होंगे जो कि इलाकाई सलामती और तरक्की के फरोग में मुआवन होंगे। इसकी सिक्योरिटी के लिए नेवी भरपूर किरदार अदा कर रही है। दीगर जिम्मेदारियों के साथ साथ महदूद वसाइल के बावजूद पाक बहरिया एशियाई साहिलों से लेकर अफ्रीका और रूस के समुद्रों तक बहरी सरगर्मियों में मुअत्तर किरदार अदा कर रही है। यहाँ मैं इस बात का वर्मला इजहार करना चाहता हूँ कि ये पेशरफ अल्लाह की मदद और पाक बहरिया के अफसरों और जवानों के अज़्म हौसले और मेहनत के बगैर